फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा सबसे पहले आपसे, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, थोड़ी सी समस्या है इस वजह से नहीं ले पा रहा हूं। बहुत कोशिश मेरी रहती है कि आपकी मैं लाइव क्लास डेली लूं, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो ही जाता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहूंगा। चलिए आगे आज शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ना है दोस्तों पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना के बारे में, कि किस तरह से पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य की स्थापना हमारे भारत देश में किया। इसके पहले के टॉपिक में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की है हम लोग, ठीक है। बाकी प्राचीन इतिहास को पूरी तरीके से अच्छे से हमने पढ़ा के आपको खत्म कर दिया है। जो लोग नए हैं वो प्राचीन इतिहास को जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से होता है और पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त की थी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, पहले नंबर पे कौन आया? पुर्तगाली आया। दूसरे नंबर पे कौन आया? डच आया। तीसरे नंबर पे कौन आया? अंग्रेज आए। चौथे नंबर पे कौन आया? डेनिश आए। और पांचवे नंबर पे कौन आया? तो फ्रांस आया था, ठीक है। इन पांच लोग जो है भारत में आए हैं, पांच विदेशी शक्तियां भारत में आई हैं, और अंततः जो अंग्रेज थे इन पांचों में सबसे हावी रहते हैं, सबसे शक्तिशाली रहते हैं। उन्होंने अपनी कूटनीति राजनीति का प्रयोग करके भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया और भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो आज हम जो अपनी कहानी पहले शुरू करेंगे, सबसे पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पुर्तगाली ने भारत में एंट्री मारा और अपना कार्य पूरा किया। तो आज के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पुर्तगाली से संबंधित सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, और ये एकमात्र और आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग को पुर्तगाली साम्राज्य को समझने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आज ही इसको शुरू करेंगे और आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप लोग मेरी आदत से एकदम वाकिफ होंगे, मैं चीजों को शुरू करता हूँ तो चीजों को उसी टॉपिक में समाप्त कर देता हूँ। ये नहीं कभी इसको पूरा देखना तो आप दूसरा वीडियो देखो, तीसरा वीडियो देखो, यह सब काम मैं नहीं करता हूँ। तो आइए फटाफट इस चीज को समझते हैं। अब एक चीज और दोस्तों, आप लोगों को पता है मेरे पढ़ाने का एक और तरीका है। एक तो हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को सिर्फ आपको बैठ करके ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे, जो क्लास में पढ़ाया हूं ना इसका नोट्स बना के फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेम टू सेम चीज मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा, दो दिन के अंदर पूरी की पूरी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ये पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है। आपको नोट्स कैसे बनाना ये भी समझ में आ जाएगा, आपको अपने कॉपी में क्या लिखना ये भी समझ में आ जाएगा, और लाइव आप देख करके चीजों को समझ सकते हो केवल अपने दिमाग को चला करके, ठीक है। तो ये हमको काम करना है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले जो हम लोगों ने चैप्टर कवर किया, यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन, जो उस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने यूरोप से चल करके, यानी अपने देश पुर्तगाल से चल करके भारत के समुद्री रास्ते की खोज किया। भारत की खोज नहीं किया, याद रखना दोस्तों। लोग बोलते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, भारत बच्चा थोड़ा था कि खो गया, भारत की खोज किया। तो भारत की खोज नहीं किया उसने, पुर्तगाल से यानी यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया। किसका खोज किया? समुद्री मार्ग का। तो कम से कम आप तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। चलो उसने खोज तो कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह उसने भारत में एंट्री मारा, एंट्री मारने के बाद जब वो जमोरिन से मिला तो वहां की क्या कंडीशंस थी, फिर कैसे वो पुर्तगाल वापस गया, वापस जाके वहां लोगों को क्या बातें बताया, वहां से फिर और कौन कौन लोग भारत में एंट्री किए, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, वो क्या करना चाह रहे थे, कहां उन्होंने फैक्ट्री लगाया, कहां उन्होंने कंपनी लगाया, कहां किससे लड़ाई किया, ठीक है, किससे किससे युद्ध किया, कौन कौन से जगह जीते, कौन से जगह छीन लिया, सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एकदम मजेदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शख्स जो हमारे पास है वो कौन है? वास्को डी गामा। कौन है? वास्को डी गामा। ये सबसे पहला शख्स है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था कि ये शख्स क्या करता है 1498 ईस्वी में। टाइम पीरियड याद रखिएगा दोस्तों, 1498 ईस्वी में भारत में एंट्री करता है। किस जगह पर? तो कालीकट में एंट्री करता है। कहां पर? कालीकट में। कालीकट का इस समय नाम है कोझीकोड। क्या नाम है? कोझीकोड। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहां एंट्री करता है? कालीकट में एंट्री करता है। अच्छा, कालीकट में किस जगह पे एंट्री करता है? तो कालीकट में एक बंदरगाह है, बहुत फेमस बंदरगाह है, उसका नाम है दोस्तों, उसका भी नाम याद रखिए, कप्पकडाबू। क्या नाम है? कप्पकडाबू, ठीक है। कप्पकडाबू नाम का एक बंदरगाह था, ठीक है, उस बंदरगाह पे आता है।
तो अभी आपको क्या करना है, लोगों से थोड़ा सा बेहतर सीखना है। मैंने क्या आपको बताया कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में एंट्री करता है, कालीकट के कप्पकडापु बंदरगाह में पहुंचता है, जहां पर उसका स्वागत जमोरिन नाम के एक राजा ने किया। एक्चुअली इस राजा का उपाधि था जमोरिन, ठीक है, जमोरिन नाम के एक राजा ने उसका स्वागत किया। तो राजा का नाम क्या बता दिया मैंने आपको, जमोरिन। बात आती है दोस्तों कि जमोरिन ने उसका स्वागत क्यों किया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये वास्को डी गामा को इसका रूट नहीं पता था भारत का, उसको एक गुजराती पथ प्रदर्शक ने उस भारत आने के रास्ता को बताया, जिसका नाम था अब्दुल मनीक। क्या नाम था, पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, अब्दुल मनीक नाम के एक नाविक ने क्या किया, इसको रास्ता दिखाया था। तो इसको रास्ता दिखाया और वास्को डी गामा पहुंच गया कहां पर, कालीकट के कप्पकडापु नामक बंदरगाह पर, जहां पर उसका स्वागत किया भाई जमोरिन ने। बात क्या आपने कभी सोचा है, जमोरिन ने उसका स्वागत क्यों किया, कैसे जमोरिन वहां पहुंच गया, उसको स्वागत करने की क्या जरूरत थी, कैसे मतलब क्या हुआ होगा। चलिए मैं आपको कहानी बताता हूं हुआ क्या था। अब देखिए, जब तक पुर्तगाली भारत में नहीं आए थे, उसके पहले की जो कंडीशन थी दोस्तों वो ये थी कि भारत में पूरी तरह से व्यापार में जो कंट्रोल था वो अरबों का था, ठीक है। जो अरब निवासी थे वो पूरे भारत में फैल चुके थे इस पीरियड तक, 1498 ईस्वी तक, ठीक है, जो 15वीं शताब्दी चल रही थी, इस पीरियड तक दोस्तों जो अरब यात्री थे, जो अरब व्यवसायी थे, वो पूरे भारत में फैल चुके थे। और जो राजा जमोरिन था यह एक हिंदू राजा था, ठीक है। तो दोनों के बीच में काफी क्या होते थे, लड़ाई झगड़े जैसा माहौल होते थे। क्यों, अरबवासी अपने तरीके से व्यापार करना चाहते थे, राजा जमोरिन अपने तरीके से उन लोगों से कर वसूलना चाहते थे, और ये तो एक लड़ाई झगड़े वाली विषय थी, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाता है। फिर जब जमोरिन को पता चलता है कि एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका स्वागत करने के लिए पहुंच जाता है, उसको स्वागत करने के लिए जाता है और खूब बढ़िया से इस पुर्तगाली का स्वागत करता है, वास्को डी गामा का स्वागत करता है, बड़े अच्छे से वास्को डी गामा भी मिलता है उनसे, उनसे मित्रता करता है। अच्छा, पुराने जमाने के जब लोग रहते थे, जब किसी राजा से मिलने जाते थे तो अपने देश की कुछ चीजों को ले जाते थे सामने वाले को गिफ्ट करने के लिए। जैसे जैसे विदेशी जो शक्तियां होती थी वो भारतीय राजाओं को शराब लेकर आती थी उनके लिए, या उनके देश की जो भी फेमस चीजें थी वो लेके आती थी, ताकि वहां के राजा क्या हो जाए, खुश हो जाए। चलो किसी तरह वास्को डी गामा ने जमोरिन को भी खुश किया, जमोरिन भी खुश हो गया। वास्को डी गामा ने क्या किया, आगे जमोरिन से बातचीत किया कि सर जी हमको क्या करना है, आपके यहाँ व्यापार करना है। जमोरिन ने कहा बेशक करो, पूरे अरब वाले व्यापार कर रहे हैं, आप भी व्यापार करो, क्या दिक्कत पड़ता है। जमोरिन को तो क्या चाहिए, उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, वो तो राजा है ना, उसको टैक्स के रूप में, लगान के रूप में क्या मिल जाए, कर के रूप में कुछ धन मिल जाए, वही उसके लिए बहुत है। करो व्यापार, व्यापार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप व्यापार कर सकते हो, ठीक है। वास्को डी गामा को भी लगा यार व्यापार कर सकते हैं तो अच्छी बात है। वास्को डी गामा ने क्या किया कि भारत से जो काली मिर्च थी उसको इकट्ठा किया, जो मसाले थे उसको इकट्ठा किया, क्योंकि आपको पता होगा पिछली कहानियां हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोप वासियों को मसालों और काली मिर्च की कितनी ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने क्या किया, पूरा का पूरा भरा, और जब यहां से वापस लौटा और जब अपने देश गया पुर्तगाल में, जब उस सामान को बेचा, उन मसालों को, उन काली मिर्च को जब अपने देश में बेचा, तो अपना यात्रा व्यय घटाने के बाद उसके पास जो मुनाफा था वो कितना था दोस्तों, 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना, थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना, 60 गुना मुनाफा। उसको उसको मतलब एकदम हवा ही लगा, ये क्या हो गया, 60 गुना, मतलब सोचना ही नहीं, कितना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, 1 रुपया लगा के 60 रुपया कमाना, समझ रहे हो, 1 रुपया लगा के आप 60 रुपया कमा रहे हो, 10 रुपया लगा के कितना कमा रहे हो, 600 कमा रहे हो यार, कितना है, 10 रुपया लगा के कोई 600 आपको दे तो कितनी अच्छी बात है, 60 गुना मुनाफा कमाया। उसका यह मुनाफा देख करके वहां के जो और भी व्यापारी थे पुर्तगाल के, वो भी आकर्षित हुए, हमको भी भारत जाना चाहिए, हमको भी भारत से व्यापार करना चाहिए, हमको भी वहां पहुंचना चाहिए, भारत से क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, ताकि हम भी मुनाफा कमा सकें। एक चीज और यहाँ पे याद रखेगा कि वास्को डी गामा को भारत भेजा किसने था, तो मैंने आपको बताया था डॉन हेनरिक। क्या नाम था, वहां के राजा का नाम था डॉन, राजा के राजकुमार का नाम था डॉन हेनरिक। इसी डॉन हेनरी को कहीं आपको डॉन हेनरिक मिलेगा, कहीं कहीं इनका नाम मिलेगा प्रिंस हेनरी, ठीक है, प्रिंस हेनरी। ये वही प्रिंस हेनरी है जिनको द नेविगेटर की उपाधि दी गई है, द नेविगेटर कहा जाता था, ठीक है,
खोज करने के लिए सबसे बढ़िया शासक। इसके अलावा अगर पुर्तगाल में सबसे बड़े शासक की बात करोगे तो उसका नाम था मैनुअल प्रथम। क्या नाम था? मैनुअल प्रथम। ये राजकुमार था, वो राजा था, राजा राजकुमार, समझ रहे हो ना? ये कंफ्यूज मत करना आप, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। चलो जो भी हो, तो वास्को डी गामा उनका प्रतिनिधि बनकर भारत आया, भारत के रास्ते की खोज किया, वापस जाके मसालों को बेचा, मुनाफा कमाया, साथ ही साथ राजा से जाकर बताया कि वहां से व्यापार बड़े आराम से किया जा सकता है। और राजा ने क्या किया? राजा ने तुरंत एक अभियान बनाया, एक अपना दल बनाया और भेज दिया कहां पर? भारत में। उस दल का नाम क्या था? चलिए आइए पढ़ते हैं। अब इसके बाद, ये तो पहला अभियान था, पहला अभियान हम बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये पहला अभियान। इसके बाद स्टार्ट होता है दोस्तों दूसरा अभियान, पुर्तगालियों द्वारा किया गया दूसरा अभियान, भारत के लिए दूसरा अभियान ये लोग स्टार्ट करते हैं। और उसका नाम क्या है तो आप याद रखिए। देखो अभियान का कोई नाम नहीं है, इसको आप सिंपली बोल सकते हो पुर्तगाली का द्वितीय भारतीय अभियान, ठीक है। और ये अभियान स्टार्ट होता है दोस्तों सन 1500 ईस्वी में। कब स्टार्ट होता है? सन 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने यह अभियान चालू किया। और किसकी देखरेख में चालू किया? तो नाम क्या था? नाम याद रखना दोस्तों पेड्रो, ठीक है। देखो आपको नोट करने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नोट्स बना के, तो वहां सब कुछ लिखा रहेगा। उनका नाम था दोस्तों पेड्रो अल्वारेज, अल्वा पेड्रो अल्वारेज, ठीक है। पेड्रो अल्वारेज पूरा नाम था कैब्राल भी लगा लीजिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इतना बड़ा नाम है, ठीक है। इसके निरीक्षण में, इसके निरीक्षण में एक जहाजी बेड़ा सन 1500 ईस्वी में कहां के लिए रवाना हुआ? भारत के लिए रवाना हो गया, ठीक है। और ये भारत पहुंचा, रास्ता तो पता ही चल गया था पुर्तगालियों को। अब ये जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा, ऐसा नहीं कि अकेले एक जहाज लेके आया था, ये कुल 13 जहाजों के साथ भारत आया। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों ये 13 जहाज लेके क्यों आया था? ये अकेले भी तो अभियान कर सकता था। अरे मेरे भाई, वास्को डी गामा ने जाके बताया था, वास्को डी गामा तो अकेले आया था, उसको क्या पता था कि भारत की खोज मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? वो तो रास्ते में अब्दुल मलिक मिल गया इसलिए भारत की खोज हो गई, है कि नहीं? उसको थोड़ा पता था कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अब तो रास्ता पता चल गया था। जैसे अगर अब रास्ता पता चल गया था तो ये 13 जहाज लेके आया कि हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारा सोना चांदी लेके जाएंगे वहां देंगे, क्योंकि अपने देश की मुद्रा अगर हमारे देश में देंगे तो जमोरिन को क्या मतलब रहता? जमोरिन कहता हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ की मुद्रा चाहिए, और भारतीय मुद्रा यूरोपियों के पास तो रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे? सोना चांदी कोई बहुमूल्य धातु हमको देंगे और इसके बदले हमारे देश से क्या करेंगे, जो काली मिर्च थी, जो मसाले थे, जो कुछ भी उनको लेके जाना हो लेके जा सकते हैं। तो पहुंच गए कहां पर? 13 जहाज माल लादकर कहां पहुंच गए? आ गए भारत में। कौन? ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। कि अब तो हमको क्या करना होगा, अब तो हमको बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होगा। सोचो 60 गुना प्रॉफिट तो अकेले वास्को डी गामा लिया था, जब 13 जहाजी बेड़ों के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया तो उसको कितने गुना का मुनाफा हुआ होगा, ये आप सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है, ये आप सोच ही नहीं सकते हो। पूरे ब्रिटेन में हाहाकार मच गया, कि पूरा ब्रिटेन एकदम मजबूत हो चला था। क्यों? क्योंकि अगर वहां के व्यापारी मजबूत होंगे तो वहां की देश की अर्थव्यवस्था भी तो मजबूत होगी, और किसके भरोसे? भारत के भरोसे, भारत के भरोसे उनके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चली थी। और ये भाई साहब 13 जहाज लेके आ गए, ये 13 जहाज लेके आया, लेकिन ये वास्को डी गामा जैसा व्यवहार नहीं किया। वास्को डी गामा जब आया था तो जमोरिन से मिलकर, जमोरिन से मित्रता किया, हालचाल पूछा, प्यार से संबंध बना के किया। पेड्रो अल्वारेज इसके दिमाग में पैसा 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 चल रहा था कि खूब मुनाफा कमाना है, इसके दिमाग में मित्रता वाली बात ही नहीं थी। ये आता है और ये मूड बना के आता है कि चलना है और वहां जो अरब व्यापारी रहते हैं उनसे लड़ाई करनी है। पर इसमें अरब व्यापारी से लड़ाई का क्या मसला आ गया? देखो दोस्तों, जब वास्को डी गामा आया था, जब उसने जमोरिन से मित्रता किया, जब वो सामान लेके जाने लगा भारत से, तो जो अरब वासी थे ना, वो अरब वासी वास्को डी गामा को रास्ते में परेशान करने लगे। वास्को डी गामा जब यहां से पुर्तगाल गया तो उसने बताया सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वहां के जो अरब वासी हैं ये तुमको जल्दी व्यापार करने नहीं देंगे। पेड्रो अल्वारेज ने कहा कैसे नहीं करने देंगे, लेके चल रहे हैं 13 जहाजी बेड़ा, लाभ के ले जा रहे हैं अपने यहां से सैनिक, देखते हैं कौन अरब वासी है जो हमको रोक देता है व्यापार करने से, चुटकी बजा के कौन रोक देता है देख लेते हैं। अब पहुंच गया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, आ गया भारत सन 1500 ईस्वी में 13 जहाजों को लेकर के, साथ में बड़ी सेना लेकर के पहुंच गया भारत। अरे व्यापार करने आया था कि मार करने आया था? दोनों करने आया था, व्यापार के साथ साथ मार भी करने आया था, कि कोई भी अरब वासी अगर बीच में टांग अड़ा दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आपको लगता है कि टांग नहीं अड़ा जाएगा? अड़ाया तो जाएगा भाई, क्योंकि अरब वालों का व्यापार खराब हो रहा था,
वो अकेले यूरोप वासियों को सामान बेच करके वो मुनाफा कमा रहे थे। अब डायरेक्ट अगर यूरोप वासी भारत से व्यापार करने लगेंगे तो उनका घर तो खत्म हो जाएगा ना, वो तो मना करेंगे। और मना किए तो हुई एक भीषण लड़ाई। क्या हुआ? अरबों से एक भीषण युद्ध हुआ। जी हाँ, याद रखिए, पूरी कहानी मैं बता रहा हूं आपको। अरबों से हुआ एक भीषण युद्ध। इस युद्ध के दौरान किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? अरबों की हार हुई, पुर्तगालियों की जीत हुई। क्यों? ये तो पहले से मूड बना के आया था। अरब वासी को थोड़ा पता था कि हमारे पर हमला होने वाला है। ये गया जीत, अरब वासी गए हार। अब जीतने के बाद पेड्रो अल्वारेज वहां के दो राजाओं से मिला, जो वहां के लोकल राजा थे, स्थानीय राजा थे, दो राजाओं से मिला। एक राजा से मिला जो कोचीन का राजा था, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। दूसरा राजा था कुन्नूर का, कोचीन और कुन्नूर, इन दो जगहों के राजाओं से मिला और मित्रता किया। राजाओं को नहीं परेशान किया, केवल अरब व्यापारियों को परेशान किया और इन दो राजाओं से मित्रता किया, सामान माल लाता, अपने देश को निकल पड़ा। गया जाके वहां पूरी कहानी बताया। कहानी जाके क्या बताया? बोला, वहां जाके बोला, भाई अरे अरब वासियों को हमने हराया रहा है, वहां के राजाओं की हालत बड़ी खराब है, वहां के राजा आपस में लड़ रहे हैं, इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। किससे बोला? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने बोला कि भारत के राजा अपने में ही लड़ रहे हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है। जैसे दो पड़ोसी अपने मार करें, तीसरा आदमी जाके दोनों मार करा दे, दोनों कट मर जाए, दोनों की संपत्ति उसकी हो गई। यही काम हुआ। और पुर्तगालियों ने यह काम किया। पुर्तगालियों को शिक्षा किसने दे दिया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने शिक्षा दे दिया कि यह काम वहां पे हो रहा है और मैं अपने अनुभव को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब क्या? अब तो पुर्तगालियों ने अपनी नीति बना ली। तुरंत पुर्तगालियों ने नया पॉलिसी बना लिया कि अब तुमको क्या करना है, हमको भारत के जितने भी स्थानीय राजा हैं, अगर उनके बीच लड़ाई होगा तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। उनके मन में बन गया, यही था क्या पुर्तगालियों की पॉलिसी, पुर्तगालियों की नई रणनीति यही थी। ठीक है, और होती भी क्यों ना, अगर हम अपने आप में मजबूत रहे होते तो पुर्तगालियों की नीति कभी काम नहीं करती। लेकिन हम तो अपने में लड़कटमट रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो हमको क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ जातिवाद को लाकर के सभी धर्मों के बीच में, सभी जातियों के बीच में लोगों को लड़ाया जा रहा है और मजा कोई और मार रहा है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, इतिहास क्या है? इतिहास वो नहीं है कि आप बीती कहानियों को पढ़ो, इतिहास वो है कि बीती कहानियों को पढ़ के अपने भविष्य को सुधार लो। ये इतिहास, समझ रहे हो? तो इतिहास पढ़ने के साथ साथ आप लोग फील भी किया करो कि भविष्य में क्या हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, जो कि हम पास्ट में अपना खराब किए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये काम किया और पुर्तगालियों ने अपनी नई नीति बनाई। इसके बाद दोस्तों वास्को डी गामा फिर से भारत आया। वास्को डी गामा दूसरे चक्कर 1498 में आके वापस गया था। ठीक है, इसके बाद फिर से भारत आया। कुल तीन बार भारत आया, तीसरे बार में लुढ़क गया। ठीक है, तो ये दूसरी बार वास्को डी गामा भारत में आ रहा है सन 1502 ईस्वी में। 1500 से कहानी बढ़ के कहां पर बढ़ चुकी है, 1502 में पहुंच चुके हैं। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। वास्को लिख के छोड़ दूं, आप समझ जाना, ये पुनः भारत आता है। अच्छा, आखिरी बार वास्को डी गामा कब भारत आया है अगर ये आपसे पूछ दे तो याद रखना 1524। सुन के कुछ याद आ रहा है? बाबर की एंट्री हो चुकी है 1526 पानीपत प्रथम, याद आया? 1526 पानीपत प्रथम, वही वाली एंट्री बता रहा हूं। 1526 है, उसके ठीक दो साल पहले कहानी है जब वास्को डी गामा की मृत्यु हुई। मृत्यु भी वास्को डी गामा की भारत में ही हुई है। किस जगह पर? तो कोचीन पर हुई है, कोचीन में, वहीं पर की समाधि भी बनाई गई कोचीन के पास। ठीक है, तो चलो वास्को डी गामा का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब लास्ट में आया था ना कोचीन, जब आया था वास्को डी गामा, तो इसको वायसराय बना के भेजा गया था। लेकिन अब सिचुएशन था, मर गया तो मर गया, बात खत्म। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि 1502 में वास्को डी गामा क्या हो गया, मर गया। लेकिन 1502 के आसपास एक और व्यक्ति भारत में आया था जिसका नाम था अल्बुकर्क। अब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कुछ लोगों का मैसेज आने वाला, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, एक अक्षर बोलना मत, जितना समझा रहा हूं समझते जाओ। अल्बुकर्क बीच में भारत आया था। यही अल्बुकर्क अगले, मतलब कुछ समय बाद वायसराय बन के, गवर्नर बन के भारत आएगा। ठीक है, गवर्नर बनने से पहले भी अल्बुकर्क भारत आया था। तो ये अल्बुकर्क जब भारत आता है तो आने के बाद दोस्तों 1503 में, कितने में, 1503 में ये कोचीन पर अधिकार कर लेता है। कोचीन पर क्या कर लेता है? अधिकार। अच्छा, अधिकार माने जीतने वाली नहीं, कोचीन में एक दुर्ग बनाता है, सॉरी कोचीन में एक फैक्ट्री लगाता है। कोचीन में क्या करता है? एक फैक्ट्री लगाता है। ये फैक्ट्री आप याद रखो,
अभी अभी अधिकार वाला बात मत करना। अधिकार मतलब अधिकार तब बोलेंगे जब पूरी तरह से कोचिंग जीत करके अपने में मिला दिया जाए, तब अधिकार बोलेंगे। तो अभी अद्भुकर ने कहा कि आप 1503 में यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाया, इसके अलावा 1505 में जो एक और जगह था कुन्नूर, अरे पेड्रो अल्वारेज आके किसकी किन दो राजाओं से आके जो है मित्रता किया था, एक कोचिंग के राजा से, कुन्नूर के राजा से, और जाके बताया था कि ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, हमको जाके वहां पे राजपाट करना चाहिए। तो अब आगे अल्बुकर्क और 1503 में इसने कोचिंग में फैक्ट्री डाली, 1505 में कुन्नूर में एक फैक्ट्री डाली, इन दोनों जगहों पर एक फैक्ट्री उसने डाल दी, कोचिंग में और कुन्नूर में, 3-5 में। तो आप याद रखना पुर्तगालियों ने 3-5 में अपनी फैक्ट्री लगाई, कहां पर? कोचिंग, कुन्नूर में। पुर्तगालियों ने 3-5 में, 3 मतलब 1503, 5 मतलब 1505 में अपनी फैक्ट्री लगाई, कहां पर? कोचिन में और कुन्नूर में। याद रखिएगा आज का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत शांति से आप लोग चीजों को समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तो फैक्ट्री उसने लगा दिया, भाई फैक्ट्री लगाने का जो मेन वजह था वो क्या था? फैक्ट्री लगाने का मेन वजह था कि वो अपना व्यापार, जो उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना, वो काम कर सके। इसके बाद पुर्तगालियों ने एक नीति बनाई, पुर्तगालियों ने नीति बनाया कि अब हम गवर्नर जनरल बनाएंगे, या हम एक गवर्नर की नियुक्ति करेंगे, गवर्नर जनरल ने गवर्नर की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले यहां पर पुर्तगालियों ने 3 साल के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया, कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर के नियुक्त करने की व्यवस्था बनाई। और जो सबसे पहला गवर्नर बनकर भारत आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, क्या नाम था? उसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं अल्मीडा, क्योंकि समय नहीं है, पूरा नाम मैं अपने मुंह से बोल दिया हूं, नोट्स में जब पढ़ाऊंगा तो वहां सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पूरा नाम था वास्को डी गामा, उसी तरह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पहला गवर्नर बनकर भारत आता है। कितने में आता है? तो 1505 से लेकर के 1509 तक, ठीक है, 1505 से लेकर के 1509 तक इसको गवर्नर बनाया जाता है, इसको गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लिया कि चलो इसको गवर्नर बना दिया गया। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इस अल्मीडा का क्या था? जैसे वास्को डी गामा तो भारत की खोज करने आया था, खोज करके चला गया। पेड्रो आया तो उसने लड़ाई करने के मूड से आया था कि अरब वासियों को हराऊंगा, हराया, कोचीन के कुन्नूर से राजाओं से मित्रता की, चला गया वहां पे जाकर अपना अनुभव शेयर किया। अल्बुकर्क आया था फैक्ट्री लगाने के मूड से, उसने 3-5 में फैक्ट्री भी लगा दिया कोचीन और कुन्नूर में। ये जो गवर्नर बना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका भी कुछ उद्देश्य था? जी हाँ, तो इसका भी कुछ उद्देश्य था, और इसका उद्देश्य था कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, उसके व्यापार को यह सुरक्षित रखे, सबसे बड़ा इसका दायित्व तो यही था। दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब, दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब भारत, मुख्यतः कौन? भारत, श्रीलंका, या फिर जो दक्षिण नीचे के जो भी जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया से जितने भी देश हैं, मलक्का वलक्का जहां पर है, ठीक है, उस पूरे के पूरे स्थान को सुरक्षित रखे, सुरक्षित इन द सेंस, सुरक्षित मतलब वो सब जगह पुर्तगालियों के अधीन बने रहे, ये देखना सबसे पहले किसका काम था? इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का काम था। भाई ऐसा क्यों किया गया? जब ये लोग प्रॉफिट कमाने लगे ना, तो उसके बाद जो यूरोपवासी थे, यूरोप के जो अन्य देश थे, उनकी भी नजर भारत में पड़ने लगी कि अब भारत में हम लोग भी चल के क्या किया जाएगा, अपना हम लोग व्यवसाय स्थापित किया जाएगा। तो इनको जो सबसे पहला उद्देश्य बनाना पड़ा, क्या बनाना पड़ा? कि हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया पर जाके अपना एकाधिकार बनाएंगे और व्यापार की पकड़ मजबूत बनाएंगे, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये इनकी पॉलिसी थी। और इनके इसी पॉलिसी का नाम रखा गया दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी, या शांत जल की नीति। क्या नाम रखा गया? शांत जल की नीति रखा गया, या ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। नाम सुनते जाइए, इत्मीनान से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? याद रखो दक्षिण पूर्व एशिया पर पुर्तगालियों की पकड़ बनी रहे, अपना नियंत्रण बना रहे, कंट्रोल बना रहे, यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में लगाया कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1505 से लेकर 1509 तक के पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, ठीक है, कहां पे था? भारत में। ये कहानी। अच्छा, अल्मीडा ने भाई कोई और भी काम किया क्या भारत में? क्या? हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी के अलावा भी अल्मीडा ने कुछ काम किए हैं। जैसे अल्मीडा ने कौन से काम किए हैं तो आपको बताऊं, अल्मीडा जब 1505 में आया तो उसने सबसे पहले 3 राज्यों से क्या किया, 3 राज्यों को अपना कंट्रोल स्थापित किया, वहां पे अपना दुर्ग स्थापित किया, फैक्ट्री नहीं। मैंने क्या बोला? फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री ऑलरेडी 3-5 में हो चुका है, अपना दुर्ग बनाया, मतलब पुर्तगालियों ने अपने दुर्ग की स्थापना कहां किया है? तो जो जगह जीता था उन्होंने, कौन सा? एक तो जगह था उनका
कोची में खाली फैक्ट्री थी, कोची में उनका दुर्ग नहीं था, ठीक है, लेकिन जो कुन्नूर जगह थी वहां पे दुर्ग भी था। तो पहले एक जगह नोट करिए आप लोग, अंजाडीवा, क्या नाम था, अंजाडीवा, इस जगह पर एक अपनी फैक्ट्री सॉरी दुर्ग स्थापित किया। कुन्नूर जो जगह था दोस्तों, कुन्नूर वहां पर भी अपनी एक दुर्ग स्थापित किया। इसके अलावा एक जगह था कीलवा, क्या नाम था, कीलवा, यहां पर भी अपना एक दुर्ग स्थापित किया। मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दुर्ग की, ठीक है, अपना एक दुर्ग बनाया, मतलब जहां पर वो अपनी सेना रखते थे, जहां पर उनके ऑफिसर्स जाके रुकते थे। अरे यार, फैक्ट्री या कारखाने में जाके नहीं रुकेंगे ना, उनके रुकने और रहने की भी जगह होनी चाहिए ना, तो वो इसलिए इन्होंने क्या बनाया, इस तीन जगह पर अपने दुर्ग की स्थापना किया 1505 में। आते आते एक काम किया, जाते जाते भी एक काम किया। 1505 में आया था तो एक काम किया, 1509 में जब जा रहा था तो भी एक काम किया। क्या किया, लड़ाई कर दिया जाते जाते। किससे लड़ाई किया भाई, तो लड़ाई किया इसने गुजरात, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात, तुर्की और मिस्र। गुजरात, तुर्की और मिस्र, क्या बात किया सर आपने, आया था भारत में, लड़ाई तुर्की और मिस्र से। अरे सुनो मेरे भैया, लड़ाई तो चल रही थी मुख्यतः अरब वासियों से, जो अरबी थे, अरब वासी लोग थे, जो अरब व्यापारी थे, उनसे लड़ाई चल रहा था, और उनकी पूरी फौज कहां पे थी, तुर्की और मिस्र में। तो तुर्की और मिस्र से उनकी फौज को इकट्ठा करके, गुजरात के फौज को इकट्ठा करके, तीनों संयुक्त सेनाओं ने लड़ाई कर लिया। किससे, इस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। हालांकि शुरुआती में तो उसकी हार होती है, उसमें उसका पुत्र भी मारा जाता है इसके पहले, लेकिन जो 1509 वाली लड़ाई रहती है उसमें क्या करता, उस तीनों जहाजी बेड़ाओं को, जो तीनों की संयुक्त सेना थी, गुजरात, तुर्की और मिस्र की, उनको पराजित करता है। कौन, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनको पराजित करता है और पुर्तगालियों की जीत हासिल हो जाती है। ये बात समझ में आ रहा है, इन तीनों को हरा करके। इसके बाद तो जो हिंद महासागर रहता है वहां पे पुर्तगालियों की नौसेना शक्ति का क्या मानता, एकदम तूती बोलने लगती कि अब इनको हराने वाला कोई हिंद महासागर में नहीं है। सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में ये पुर्तगाली आते हैं हमारे सामने, और हिंद महासागर का नाम उसी समय बदल करके पुर्तगाली सागर रख दिया जाता है। हिंद महासागर का नाम भी क्या पड़ गया, बदल के पुर्तगाली सागर रख दिया गया। पॉइंट समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट नोट करते जाइए और समझते जाइए, नोट नहीं करना है, खाली समझना है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1509 में क्या हुआ, भारत से चल गया। अब इसके जाने के बाद एक दूसरा गवर्नर बन के आया, और वो कौन था, वो वही अल्बुकर्क था जो स्टार्टिंग में आया था, और 3-5 करके क्या करके गया था, फैक्ट्रियों की स्थापना करके गया था। वही अल्बुकर्क क्या होता है, फिर से भारत आता है और गवर्नर बन के भारत आता है। ये 1509 से लेकर 1515 तक जो है भारत में गवर्नर के पद पर रहता है। नाम क्या है, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। टाइम पीरियड क्या है, 1509 से लेकर 1515 तक, ठीक है, ये रहता है। पूरा नाम की बात करो दोस्तों तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्या नाम था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसके पहले वास्को डी गामा, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो अल्बुकर्क भारत आया। अच्छा, इसका भी कुछ उद्देश्य रहा होगा, जैसे अल्मेडा भाई साहब का था, उनका क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया पर कंट्रोल करना, व्यापार पर, उसी तरह क्या इनका भी कोई उद्देश्य था, जी इनको भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया पुर्तगालियों के लिए। तो ऐसा क्या काम कर दिया दोस्तों इन्होंने, तो याद रखो कि सबसे पहले तो 1503 में भारत में आके जो अपना दुर्ग फैक्ट्री बना के चले गए थे कोचिन कुन्नूर में, वो तो अलग बात था, उसके बाद भी इन्होंने बहुत काम किया भारत में पुर्तगालियों के लिए, भारतों के लिए नहीं, पुर्तगालियों के लिए काम किया। और जो इनका सबसे फेमस काम था वो ये था, इन्होंने कहा कि जो हमारे देश के व्यक्ति हैं, जो हमारे अस्थाई निवासी कहां के, पुर्तगाल के, वो भारत आए और भारतीय महिलाओं से आके विवाह करें। यार ये कौन सी नीति थी कि भारतीय महिलाओं से विवाह करें, ये किसका खोपड़ी है, गजब खोपड़ी है इसके पास, अल्बुकर्क के पास। अल्बुकर्क का क्या रहा है, ध्यान से सुनो, अल्बुकर्क ने प्रोत्साहित किया अपने देशवासियों को और कहा कि आप लोग आइए, भारतीय महिलाओं से विवाह करिए और यहाँ के निवासी बन जाइए, ताकि हम लोग अपनी कॉलोनी बना सके कहां पर, भारत में। बाप रे बाप, एकदम भारत पर राज करने का सोच लिया है अल्बुकर्क ने, इसीलिए तो इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, समझ में आ रहा है। और इसने क्या किया, इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की जो नीति अपनाई, ये काफी सक्सेसफुल हुआ। आज आपको पता होगा, गोवा हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र का बहुत सारा हिस्सा हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, वहां पर बहुत सारे ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, और वो किसकी देन थी, इस अल्बुकर्क की देन थी, समझ में आ रहा, इस अल्बुकर्क की देन थी। और इसने एक काम किया, इसके अलावा इसने एक और काम किया, वो अच्छा काम मैं कह सकता हूं, इसने सती प्रथा पर रोक लगाई भारत में। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाई, आपके दिमाग में आया क्यों,
यार उसमें भी इसका फायदा था। फायदा क्या था? सती प्रथा माने क्या था? जिसके पति की मृत्यु हो गई वो औरत उसके शव को लेकर के बैठ जाए और खुद को और अपने पति के साथ चिता में जल के भस्म हो जाए जिंदा औरत। ये व्यवस्था थी, ये कुरीति थी हमारे हिंदू धर्म की। और अल्बुकर्क ने इस पे रोक लगाया, कहा वो औरत जिनके पति की मृत्यु हो गई वो विदेशी व्यक्ति से शादी कर सकती है, अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। ठीक है, तो इस मामले में उसने सती प्रथा पर रोक लगाया, इसीलिए अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। पॉइंट नोट करिए, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है किसको? इस अल्बुकर्क को कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना कितना काम किया? इन सब चीजों की वजह से अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलो ये काम तो रही उसके ऊपर। तीन पांच में जो फैक्ट्री लगाना था, तीन पांच में इसने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1503 में इसने कोचीन में फैक्ट्री जिसमें लगाया था उस समय वहां पर उसने दुर्ग भी बनवाया था एक। ठीक है, ताकि वहां पर फैक्ट्री और दुर्ग स्टार्टिंग में था ना, तो उस समय फैक्ट्री और दुर्ग जो है दोनों एक साथ बनाया था। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे समझिएगा और याद रहेगा, इसका ध्यान जो था ना जब एंट्री मारता है 1509 में, उसके एक साल बाद इसका ध्यान पहुंचता है गोवा पे। कहाँ ध्यान पहुंचता है? अभी तक क्या था, पुर्तगाली कोचीन तक सीमित थी, मतलब केरल और कर्नाटक के हिस्से तक सीमित थे, उसके आगे नहीं गए थे। अल्बुकर्क के दिमाग में आया कि हम लोग गोवा चलते हैं, गोवा बहुत बेहतरीन सिटी थी उस समय भी, हालांकि सिटी नहीं था लेकिन गोवा के पास जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो तो शुरू से था ना, तो इसका दिमाग में आया कि हम लोग गोवा चलते हैं। इसने 1510 में गोवा पर अधिकार करने का एकदम पूरा मूड बना लिया। कहां पर? गोवा। अच्छा, उस समय जो गोवा था दोस्तों ये किसके अंडर में था? तो ये बीजापुर के शासक थे, नाम तो आपको पता ही होगा कई बार आया है एग्जाम में, जिनका नाम था आदिल शाही। क्या नाम था? आदिल शाही, सुल्तान आदिल शाही। ठीक है, आदिल शाही। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, पूरा नाम था यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश के सुल्तान से गोवा को इसने छीन लिया। कब? 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया और उसको पुर्तगाली साम्राज्य में लाके मिला दिया। समझ गए? अच्छा, छीनने के बाद क्या किया भाई? छीनने का कोई वजह तो? हाँ, छीनने के बाद इसको राजधानी भी बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद इसने क्या करा, बाद में अपनी राजधानी भी बनाएगा। फिलहाल जो पूरा का पूरा पश्चिमी तट था, ये गुजरात से लेकर के, ये गुजरात से लेकर नीचे तक का जो पूरा पश्चिमी तट था, ये पूरी तरह से किसके कंट्रोल में आ गया था? ये पूरी तरह से पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया था। पुर्तगालियों की तूती यहां बोलने लगी थी, पूरे विश्व में इनके नौसेना का नाम हो चुका था, कोई भी ऐसा नहीं था जो इनसे लड़ाई करने का, युद्ध करने का सामर्थ्य जुटा सके। इन्होंने सोचा अरब व्यापारियों को समाप्त करने के लिए, इन्होंने ज्यादा नहीं 15 साल के अंदर इन्होंने पूरे अरब वासियों को व्यापार से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, भगा दिया और पूरे के पूरे व्यापार पर अपना कंट्रोल भी बना लिया। तो ये पॉइंट आप सबसे बड़ा याद रखिएगा। 1510 के बाद गोवा जीतने के बाद टाइम आता है 1511 का। 1511 में इसका दिमाग पहुंचता है सबसे बड़े बंदरगाह, जो कि उस समय का सबसे फेमस बंदरगाह था, जिसको अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की संज्ञा दिया जाता था, उसका नाम था मलक्का, और इसने मलक्का पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद तो पुर्तगालियों की पूछो मत। पुर्तगालियों को क्या हुआ? उनको पंख लग गए, वो उड़ना शुरू कर दिए कि अब हमको कोई गिराने वाला नहीं है। 1511 में दोस्तों, 1515 जब ये जाने वाला था, और जाने के पहले इसने क्या किया, फारस की खाड़ी, नाम सुना ना, फारस खाड़ी, जहां पर पूरा कंट्रोल किसका था? अरब व्यापारियों का था। तो फारस की खाड़ी में एक जगह अवस्थित थी जिसका नाम था होर्मुज बंदरगाह। होर्मुज बंदरगाह, इस होर्मुज बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया किसने? हालांकि लाल सागर के पास जो जगह थी उसको भी अधिकार में करना चाहा, लेकिन कर नहीं पाया, इसका टाइम पीरियड समाप्त हो गया। लेकिन 1515 में इसने सबसे बड़ा काम किया, वो क्या कि फारस की खाड़ी के पास जो होर्मुज बंदरगाह था, जो पूरी तरह से अरब वासियों के कंट्रोल में था, वहां से अरब वासियों को हरा करके, उनके देश में जाकर उनको हरा करके अपनी जीत हासिल कर लिया किसने? इस अल्बुकर्क ने। इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य। अब तो आपको समझ में आएगा पूरी सती प्रथा की, मैंने कहानी भी आपको बता दी। चल, इसके बाद जो अगला व्यक्ति आता है मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता चला मैं पढ़ाते गया बाद में रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाता है, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा यार आज का, 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते चलो। इसके बाद वही 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार आता है गवर्नर बनके,
लेकिन मृत्यु हो जाती है कोचीन में, तो उसको वहीं दफना दिया गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसको केवल आपको डिस्कस करूंगा आपके सामने, तो उसको आप समझते चलिएगा, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा ही है। इसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर है वो है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा, याद रहेगा। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड क्या है, 1529 से लेके 38 तक, बड़े लंबे समय तक रहा, 1529 से लेके 38 तक। ये वही समय दोस्तों जिस समय बाबर की एंट्री भारत में हो चुकी है, 1529, याद है ना, बाबर की एंट्री हो चुकी है। और हम ऐसे कर सकते हैं कि 38 वाले पीरियड को अगर लें तो हुमायूं का साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा ये गवर्नर भारत आता है। अच्छा, इसका भी उद्देश्य था क्या, सबको हमने देख लिया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का देख लिया कि दक्षिण पूर्वी व्यापार पर उसको एकाधिकार करना था, अल्बुकर्क का देख लिया कि उसका काम था यहाँ पर कॉलोनी बनाना, अस्थाई बस्तियों का निर्माण करना, दुर्ग स्थापित करना, जो कुछ भी उसने किया उसका भी देख लिया। पुर्तगाली गवर्नर एक और बन के आया आपका वास्को डी गामा, लेकिन वो तो चल बसे भाई साहब, उनकी कहानी खत्म। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है नीनो डी कुन्हा। तो इसने क्या अच्छा काम किया, तो ये भी एक अच्छा था, इसने एक काम किया ये कि जब ये एंट्री मारा भारत में ना, उस समय देखा इसने कि हुमायूं वर्से गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, याद है आपको, बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह, एक मिनट पे अपनी मार्कर चेंज कर देता हूं, गुजरात का शासक था बहादुर शाह और हुमायूं यहां मुगलों का, इन दोनों में चल रही थी लड़ाई, ठीक है। और नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, इस लड़ाई का उठाया फायदा। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह की भी जो लड़ाई चल रही थी इसमें उठाया फायदा नीनो डी कुन्हा ने। कैसे फायदा उठाया सर, जरा बता दीजिए अपना फायदा कैसे उठाया। तो इसने सबसे पहले अपना रास्ता चुना, किसके बारे में, जो रास्ता चुना वो चुना 1534 में, क्योंकि आने के बाद तुरंत तो शुरू नहीं कर देगा लड़ाई, पहले समझेगा क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है। तो 29 में तो एंट्री मारा, 4-5 साल बाद जब इसको मैटर समझ में आ गया तब इसने अपना कदम आगे बढ़ाया और 1534 में इसने बेसिन को जीत लिया। बेसिन गुजरात के पास एक बहुत फेमस जगह थी, उसको जीत लिया। इसके बाद अगली लड़ाई में इसने 1535 में दोस्तों दीव, दमन और दीव का नाम सुने हो, तो दमन में नहीं दीव पर भी अपना अधिकार जमा लिया। कहां कहां पर, बेसिन और दीव पर 1534 और 35 में अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। एक काम तो इसने किया क्या, अच्छा इसके पहले ही 1530 की अगर बात करूं, जिस समय एंट्री मारा था, तो 1530 में कुन्हा ने शुरुआत में ही, देखो 1530 यहां से छूट गया था, तो 1530 में कुन्हा ने क्या किया था, जो शासन का मुख्य केंद्र था वो कोचीन से हटा था, कहां शिफ्ट कर दिया था, गोवा शिफ्ट कर दिया था। जो अल्बुकर्क गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से, उससे क्या कर दिया था, उससे उस गोवा को ऐसे समझ लो राजधानी बना दिया, मैं ऐसे कर, पूरा का पूरा व्यापारी कंट्रोल जो कोचीन से काम होता था, कोचीन पहली फैक्ट्री थी, पहला दुर्ग भी कोचीन था 1503 में, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने क्या किया, गोवा को भी जो जीता हुआ था हिस्सा, तो गोवा में अपने इलाके पूरी की पूरी फैक्ट्री और दुर्ग द्वारा स्थापित कर दिया गोवा में 1530 में, और सारा काम यहां से करने लगा। यहीं से बैठकर उसने इस बेसिन को और दीव पर जीतने का जो पूरा का पूरा खाका तैयार करना था इसको भी उसने तैयार किया। इसके बाद दोस्तों बात आती 1538 में एक और, बस इसके बारे में इतना ही था, नीनो डी कुन्हा के बारे में इतना ही था। इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है गार्सिया द नरोना। क्या नाम है, नाम लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा पुर्तगाली गवर्नर है ना, तो थोड़ा सा अजीब अजीब नाम जरूर है, लेकिन सबके बारे में 2-4 लाइन आप पढ़ते चलो, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। तो गार्सिया द नरोना, क्या नाम था, गार्सिया द नरोना, ठीक है, गार्सिया द नरोना, ये भारत में आया 1538 में नीनो डी कुन्हा को जाने के बाद। 1538 में ये व्यक्ति आया, तो चलो नीनो डी कुन्हा ने तो फायदा उठाकर मान लो दीव पर अधिकार कर लिया, बेसिन पर अधिकार कर लिया, 34-35 में जीत गया, पूरा कंट्रोल स्थापित कर दिया, गोवा में ले जाकर रख दिया, वो सब तो काम ठीक है। अब भाई साहब ये गार्सियो की जो नरोना थे, क्या इनका भी कोई काम था, तो इसने बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़ा बड़ा काम किया, बहुत बड़े बड़े जगहों को जीत करके भारत में शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब क्या थे पुर्तगालियों की जो शक्ति थी वो पहले की अपेक्षा काफी बढ़ चुकी थी, लोग डरने लगे थे, जो क्षेत्रीय राजा थे वो सरेंडर कर जाते थे और इनके जीतने का सिलसिला यहाँ पे चालू होता है। अब देखो दीव को ये लोग पहले जीत चुके थे, दमन को इसने जीत लिया, दमन के बाद इसने नंबर लगाया सालसेट का, सालसेट किसको बोलते हैं, सालसेट द्वीप पर बंबई बसा हुआ है, तो आप सालसेट कर लो चाहे बंबई कर लो, इसको जीत करके अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद एक जगह था दोस्तों सेंट थॉमस,
सेंट थॉमस या सेंट थॉमस उसको जीता। इसके बाद इसने मद्रास को जीता, मद्रास में फैक्ट्री लगाई और जीतते जीतते इसका दिमाग पहुंच गया हुगली के पास। हुगली तो कलकत्ता में है, ठीक है, हाँ भाई कलकत्ता की बात करो, पहुंच गया कलकत्ता में, हुगली पहुंच गया और हुगली में भी अपना क्या किया, ये इन सब जगहों को अपना केंद्र बनाया, यहाँ पर अपनी छोटी छोटी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कराया। किसने? इस किसने? गार्सिया द नरोना ने। इन सभी जगहों पर क्या किया, अपनी छोटी छोटी, जीता नहीं, लड़ाई लेकर नहीं गया था ना, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाया था, बस वहां पर अपनी छोटी छोटी व्यापारी कोठियां बनाई कि ताकि वो क्या कर, अपने बिजनेस को फैला रहा था, ब्रांच खोल रहा था, यार ऐसे समझ लो, ठीक है। और ये काम उसने किया। अच्छा चलो, ये काम उसने कर दिया गार्सिया द नरोना ने। उसके बाद उसने एक और भी बड़ा काम किया, उसने किया कि श्रीलंका को जीत लिया। श्रीलंका के जो ऊपर के व्यापार थे, मलक्का के पास के जो व्यापार थे, उनको जीत करके अपने कब्जे में कर लिया। तो उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो श्रीलंका, अच्छा श्रीलंका को उस समय दोस्तों श्रीलंका नहीं बोला जाता था, उसको सिलोन बोला जाता था। क्या बोलते थे? सिलोन, ठीक है। सिलोन को क्या कर दिया, सिलोन से पे अधिकार किया और बहुत सारे बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा एक काम और याद रखेगा दोस्तों, 1559 में दमन जो था वो पूरी तरह से इनके नियंत्रण में आ गया। किसके नियंत्रण में? पुर्तगालियों के नियंत्रण में। क्योंकि शुरुआत में जो दमन को जीता गया था वहां पे केवल बंदरगाहों को जीता गया था, दमन पर पूरा नियंत्रण कब बना ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो 1559 याद रखेगा। फिलहाल ये प्रोग्राम चलता रहा अंतिम समय तक। इस समय तक अगर बात करूं, ये 1550 ईस्वी का अगर मैं एक बात कर दूं, 1550-60 के आसपास तक, तो दोस्तों पुर्तगालियों के पास लगभग 50 से अधिक दुर्ग जो थे वो पुर्तगालियों के कंट्रोल में थे। कितने दुर्ग? 50 से अधिक दुर्ग इनके कंट्रोल में थे। इसके अलावा 100 से अधिक जहाजी बेड़ा भी किसके पास थे? वो इन पुर्तगालियों के पास थे। 100 से अधिक जहाजी बेड़ा किसके पास थे? इन पुर्तगालियों के पास थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी फौज इनके पास थी, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों बात बताओ, इतना कुछ होते हुए भी, इतना पावरफुल होते हुए भी ये अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाए। जब अंग्रेज और डच ने एंट्री मारा तो ये अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाए, ठीक है। और 1580 तक पहुंचने पहुंचते, 1500 से लेकर के 1580 तक तो इनका बहुत प्रमोशन हुआ। 1580 पहुंचते पहुंचते तक में इनकी हालत इतनी खराब हो गई, धीरे धीरे इसमें भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए, ठीक है, लोग मनमानी शुरू कर दिए, ठीक है। पुर्तगाली जो देश था वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया, बहुत कुछ वजह था। और पुर्तगाल हार करके जाके विलय कर दिया अपना, किसमें? स्पेन के साथ। सर ये आप क्या बता रहे हैं, पुर्तगाल का विलय हो गया स्पेन के साथ? हाँ, मतलब कि ये स्पेन से कंट्रोल में आ गया, स्पेन के कंट्रोल में आ गया। कौन? पुर्तगाल। अरे यार स्पेन से तो उसका लड़ाई चल रहा था ना। हाँ पहले चल रहा था, 1580 में स्पेन पे कंट्रोल कर लिया पुर्तगाल ने। इसके बाद पुर्तगालियों की हालत खराब हो गई और इसके बाद पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हो गया। 80 साल के अंतर्गत इन्होंने बहुत कुछ जीता, भारत ने बहुत कुछ बनाया और भारत से विदाई देना भी शुरू कर दिया, ठीक है, भारत से विदाई देना शुरू कर दिया 1580 में दोस्तों। अब इनका पतन स्टार्ट हुआ, तो चलो और इनके पतन के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आता है कि इनका हार का सिलसिला जो शुरू हुआ है 1580 से या 1596 ईस्वी में, ठीक है, जब हमारे देश में एंट्री मारी किसने? अगले विदेशी शक्ति ने, जिसका नाम था डच, ठीक है। जब उन डचों ने एंट्री मारा 1596 में, उसके बाद पुर्तगालियों की हालत क्या हो गई? और खराब हो गई। वो इस कंडीशन तक नहीं बचे रह गए कि वो क्या कर सके, वो डचों को अपने देश से हटा सके। डच कहां के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे ना डच, देश की जगह पर, ठीक है। तो डच को क्या कर सके? हटा सके। इतने भी उनके पास पावर नहीं थी। तो 1596 में डचों ने भारत में एंट्री मारा और उसके बाद इसने दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। वही दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापार जिसको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपना ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति बनाई थी, वो काम करना शुरू कर दिया इन डचों ने, ठीक है। डच के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा डचों के बारे में, फिलहाल आप याद रखिए। इसके बाद डचों ने दोस्तों, इसके बाद तो अंग्रेज भी एंट्री मारे भारत में 1600 में, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। 1599 में अंग्रेज भारत पहुंच चुके थे। तो अंग्रेजों ने भी एंट्री मारी। उसके बाद क्या हुआ? पुर्तगालियों का शासन वहीं से खत्म होना शुरू हुआ और उनका पतन होना स्टार्ट हो गया। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि उनका पतन कब और क्यों और कैसे होना शुरू हुआ, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए उसके पहले मैं आपसे बता देता हूँ, 2-3 युद्ध हुए हैं, उस युद्ध के बारे में आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये युद्ध होता है दोस्तों 1641 में, ठीक है। अच्छा पुर्तगालियों ने जो सबसे पहला युद्ध लड़ा है वो अंग्रेजों के साथ लड़ा है, अब दूसरा युद्ध किसके साथ लड़ा है? डचों के साथ लड़ा है। तो आओ पहले मैं यहाँ युद्ध बता दे रहा हूँ।
1541 में दोस्तों जो मलक्का था, सबसे फेमस था ना बंदरगाह मलक्का, जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था, इसको डचों ने अपने अधिकार में ले लिया, छीन लिया, छीन लिया अपने अधिकार में 1641 में। ये कंडीशन हो गई पुर्तगाल की, जो अभी तक इतना हाई फाई था वो पतन होने के दौरान ये हो गया। 1658 में चलते हैं, 1658 में क्या हुआ दोस्तों, श्रीलंका जो था इनके कंट्रोल में, वो श्रीलंका भी इनके हाथ से छीन करके चला गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर बात करूं 1663 की, तो मालाबार जो था, केरल का जो तट था मालाबार, वहां के सभी दुर्गों को इनसे जीत लिया डचों ने और अंग्रेजों ने अलग अलग करके, और इस तरह से पुर्तगालियों की जो शक्ति थी वो छिड़ होते चली गई, वो पतन होते चली गई। बार देख लो कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बंद होने की कंडीशन में पहुंच चुका है, 45 मिनट हो गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात आप समझिएगा, धीरे धीरे इनका पतन होना शुरू हो गया, कहानी इनकी हो रही समाप्त। अब जल्दी से इनकी हम लोग कहानी देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लड़ाई और होती है दोस्तों 1622 में, वो भी लड़ाई मैं आपको बता देता हूं। ये तो डचों ने परेशान किया मलक्का श्रीलंका, ठीक है, और मालाबार, ये सब डचों ने छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया पुर्तगालियों से। और अगर मैं अंग्रेजों की कहूं कि अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने दोस्तों 1612 में पुर्तगालियों से सूरत को छीना और वहां पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां पे लगाई है, तो सूरत में लगाई है। पुर्तगालियों ने कहां लगाया था, तो पहला कोचीन में, दूसरा कन्नूर में, याद आया आपको, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहां लगाया, तो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाया 1612 में। इसके बाद ठीक 10 साल बाद दोस्तों 1622 में अंग्रेजों ने हुर्मुज, हुर्मुज का नाम याद आया आपको, वही फारस की खाड़ी के पास जो हुर्मुज पर अधिकार कर लिया था, हुर्मुज बंदरगाह, उस हुर्मुज बंदरगाह को अंग्रेजों ने क्या किया, फारसी के साथ मिलकर के, अंग्रेजों ने किसके साथ मिलकर के, फारसियों के साथ मिलकर के पुर्तगालियों को परास्त किया और हुर्मुज को अपने अधिकार में ले लिया अंग्रेजों ने। तो इस तरह से कुछ कहानी चलती रही, धीरे धीरे जो समस्त पुर्तगाली केंद्र थे वो समाप्त होते चले गए। अब हमारी बात पहुंचती है कि भाई देखो, पुर्तगालियों को एक तरफ से डच परेशान कर रहे थे, पुर्तगालियों को एक तरफ से डच टांग खींच रहे थे, दूसरी तरफ से उनकी टांग अंग्रेज खींच रहे थे, तीसरी तरफ से दो लोग और आ गए थे, एक कौन, एक आ गए थे मराठा और एक आ गए थे मुगल, ठीक है। मराठा और मुगल भी अपना हाथ इसी में सेक रहे थे, मारो पुर्तगालियों को, ठीक है। और क्या हुआ, इस तरह से पुर्तगाली भारत में फिर संभल नहीं पाए और वो चल बसे यहाँ। हुआ क्या देखो, अब आपके समझ में आया, सर बता दीजिए, जैसे डचों ने क्या क्या छीना ये हमको पता चल गया, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से क्या छीना ये हमको पता चल गया, सर जरा ये भी बता दीजिए हमको कि मराठा और मुगलों ने पुर्तगालियों से क्या छीना, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। आइए बताता हूं, अगर मैं बात करूं तो मुगलों के बारे में, ठीक है, मुगल के बारे में अगर मैं बात करूं, मुगल साम्राज्य के बारे में, तो एक चीज हुआ था दोस्तों 1632 में, ये वही पीरियड है जब ताजमहल बनना शुरू हुआ था, और कौन बनवा रहा था, तो शाहजहां बनवा रहा था, मैं उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ 1632 की। तो 1632 की बात कर रहा हूँ, 1632 में शासन किसका था, शाहजहां का था। शाहजहां का एक सिपा सालार था जिसका नाम था कासिम खान, क्या नाम था, कासिम खान, ठीक है। कासिम खान ने हमला बोल दिया पुर्तगालियों के ऊपर, कहां पर, हुगली जो जगह थी, हुगली में पुर्तगाली क्या करते थे, हुगली बंदरगाह में खड़ा होकर के जितने आसपास के जहाज हुआ करते थे उनको पुर्तगाली जबरदस्ती लूटा करते थे, अपने लूटपाट का अड्डा बना लिया था उन्होंने हुगली में। ये बात शाहजहां को पता चला, शाहजहां ने अपने सेनापति या सिपा सालार कासिम खां भेजा, कासिम खां गया और वहां से पुर्तगालियों को मार मार के भगाया, मार मार के भगाया पुर्तगालियों को वहां से, इस तरह से हुगली को आजाद कराया पुर्तगालियों के चुंगल से। तो लड़ाई हुई ना मुगलों की। इसी तरह अगर मैं बात करूं मराठों की, तो 1639 की बात बता रहा हूं, मराठों ने जो मुंबई का सालचेट युद्ध, भाई मराठे कहां रहते थे, वही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई है, तो वहां के जो सालचेट युद्ध था और मुंबई था, जो क्षेत्रीय तट थे उनको जीत लिया और वहां से पुर्तगालियों को मार करके भगा दिया 1639 में। इस तरह से दोस्तों की अंग्रेज, डच, मुगल, मराठे सभी लोगों से त्रस्त आके पुर्तगालियों को हारना पड़ा, हार मानना पड़ा। चलिए लगे हाथ हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, उनको हार मानना पड़ा। अच्छा एक चीज याद रखिए, अब पुर्तगालियों को लगने लगा कि अब हमारा शासन करना भारत में बड़ा कठिन हो चला है, अगर हम लोगों ने कोई चाल नहीं चली तो हम लोग इस देश से भगा दिए जाएंगे। और इसके बाद पुर्तगालियों ने चला एक नई नीति, वो नई नीति क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो नई नीति दोस्तों थी 1661 की बात है, कब की बात है, 1661 की बात है। 1661 में ऐसा क्या हो गया,
पुर्तगालियों ने प्लान बनाया हमको अंग्रेजों के साथ एक वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए ताकि जीने खाने का मौका मिल जाए भारत में, ठीक है। 1661 में अंग्रेजों का जो राजकुमार था, ठीक है, जो ब्रिटिश सम्राट था, उनका नाम था चार्ल्स दूती। क्या नाम था? चार्ल्स दूती। और पुर्तगालियों की, या अंग्रेजों की तरफ से थे, ठीक है। इसके बाद जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी कैथरीन मेयो। क्या नाम था? कैथरीन मेयो, ठीक है, कैथरीन मेयो। और इस चार्ल्स दूती का विवाह करा दिया जाता है ताकि पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ जो संबंध रहे वो अच्छा बन जाए, ताकि मुगलों को, मराठों को, डचों को, उनसे फिर क्या हो जाए, भय हो जाए। और उन्होंने विवाह करके जो मुंबई था, चार्ल्स दूती तो मराठों ने छीन लिया था, लेकिन जो मुंबई था, स्पेशली मुंबई जो था, वो पुर्तगालियों ने गिफ्ट किया। किसको? इन अंग्रेजों को गिफ्ट किया। बाद में अंग्रेजों ने उस मुंबई को किराए पे दे दिया, ठीक है, वो बात की बात है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको। तो कैथरीन मेयो से विवाह करा दिया गया, किसका? चार्ल्स दूती का, ताकि उनके संबंध जो है वो अच्छे बन सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अंग्रेज जो भैया किसी के नहीं थे, तो पुर्तगालियों के भी नहीं थे। और पुर्तगालियों को लगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके बाद पुर्तगालियों ने दूसरी नई नीति बनाई कि अब तो हमारे बिटिया वहां चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग जैसे चाहे वैसे शासन कर सकते हैं। और एक पुर्तगालियों की जो सबसे खतरनाक और आखिरी नीति थी, इसके बाद पुर्तगाली जीवन भर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नीति क्या थी? तो वो नीति बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कार्ज आर्मेडा। कार्ज आर्मेडा, आर नाम है आर्मेडा, ठीक है, काफिला व्यवस्था। कार्ज आर्मेजा, काफिला व्यवस्था, सुना कभी इसके बारे में? ये किसकी नीति थी? तो ये पुर्तगालियों की नीति थी। एक्चुअली में कार्ज आर्मेडा, काफिला व्यवस्था, ये किस टाइप की व्यवस्था? सर इसका नाम तो हम लोग बहुत कम सुने हैं, या शायद बहुत कम ही लोग जान रहे होंगे इसके बारे में डिटेल में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये व्यवस्था क्या था। तो याद रखिए, पुर्तगालियों ने जो हिंद महासागर था, यानी जो भारत था दोस्तों, भारत का जो नीचे का पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, इधर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, और इधर आपका हिंद महासागर, तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में अपना क्या करने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और व्यापार पर पूरा का पूरा नियंत्रण बनाने के लिए, पूरा कंट्रोल करने के लिए, उस पर कर लगाने की व्यवस्था को शुरू किया, जिसका नाम क्या दिया गया? कार्ज आर्मेडा, काफिला व्यवस्था। यानी क्या था कि कोई भी सेना आ जाए, कोई भी व्यापारी आ जाए, कोई भी विदेशी ताकत आ जाए, अगर वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, हिंद महासागर के थ्रू अपने जहाजों को लेकर जाना चाहता है, तो उसको इस व्यवस्था के तहत कर देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको पुर्तगालियों से लड़ाई करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों एक उन्होंने कंडीशन भी बनाया कि इस व्यवस्था के तहत उसने एक जहाजी बेड़ा को लगाया, जो क्या करते थे, जो इसकी देखरेख करते थे कि किसने टैक्स दिया है और किसने टैक्स नहीं दिया। जिसने टैक्स दिया है वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था, और जो व्यक्ति टैक्स की भरपाई नहीं करेगा उसको वहीं पानी में क्या करते हैं, मार के गिरा दिया जाएगा। तो ये इनकी व्यवस्था थी, कार्ज आर्मेडा, काफिला व्यवस्था। इसमें एक इनका काफिला इस बात का देखरेख करता था। इसके अलावा इनकी कुछ कंडीशंस थी कि काली मिर्च और बारूद, इन दो चीजों का व्यापार किसी भी कीमत पर नहीं कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई व्यापारी नहीं कर सकता है। काली मिर्च और बारूद पर पूरी तरह से एकाधिकार पुर्तगालियों का था। इन दो चीजों के अलावा आप कुछ भी व्यापार कर सकते हो, इनका व्यापार आप नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने जहाज में, जहाजी बेड़े में इनका व्यापार करते पाए गए तो फिर क्या होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा, मारती गिरा दिया जाएगा। चलो, ये था आपका क्या, कार्ज आर्मेडा व्यवस्था, समझ गए। अच्छा, कार्ज माने क्या होता है? एक्चुअली कार्ज एक तरह का परमिट होता था। कार्ज की अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो कार्ज माने क्या था, कार्ड माने होता था परमिट, और यह परमिट सभी व्यक्तियों को लेना पड़ता था, कोई इससे बचा नहीं था, चाहे वो अंग्रेज हो। इवन अकबर की बात करूं तो अकबर उस जमाने का सम्राट था ना, अकबर को भी अगर यहां से कोई व्यापार कराना पड़ता था तो पुर्तगालियों से उसको भी परमिट लेना पड़ता था। क्या सही आप कह रहे हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, आप इस बात को याद रखिए, जितना बोलूं याद करते जाओ। तो कार्ड माने होता था परमिट, और इसके लिए यह इनकी व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था को सभी को फॉलो भी करना था। तो याद रखो, इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय जहाज या कोई भी विदेशी जहाज, जैसे मैं बात करूं अरबी जहाजों के बारे में, वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यही व्यवस्था क्या थी? यही व्यवस्था थी कार्ज आर्मेडा, काफिला व्यवस्था, ठीक है। चलो, इस को पानी पीने, थोड़ा गला बैठ गया हमारा। चलो,
इसके बाद दोस्तों बात आती है, अब तो ऐसे में यार ये ओनर बन गए, पूरे के पूरे हिंद महासागर के स्वामी बन गए। हाँ बेसिकली वो तो अपने आप को हिंद महासागर का स्वामी भी कहते थे और हिंद महासागर को अपना सागर मानते थे, पुर्तगाली सागर भी मानते थे। ये सारी कंडीशन हुई, अब उनकी इस व्यवस्था से ऊब करके लोग क्या कहां पहुंच गए, इनको हटाने पर पहुंच गए और धीरे धीरे इनका पतन जो है दोस्तों वो शुरू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इनका पतन कैसे हुआ, बस थोड़ा सा है, आखिरी टॉपिक चल रहा है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके पतन की, तो इनके पतन की बहुत सारी वजहें रही। जैसे अगर बात करूं तो इनका भ्रष्ट प्रशासन, एक तो सबसे बड़ी वजह इनका क्या था, भ्रष्ट प्रशासन। इनका शासन प्रशासन का जो तरीका था वो खराब था, हो चुका था, इस वजह से इनका पतन हुआ। इसके अलावा मैं बताऊं तो जो मुगल अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, अकबर वगैरह, शाहजहां वगैरह, जहांगीर वगैरह, उसके वजह से भी इन पे प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर जो है पुर्तगालियों के पास योग्य शासकों की कमी थी, कोई भी योग्य गवर्नर नहीं था, कोई भी योग्य शासक नहीं था जो इनको समझ सके। इनका साम्राज्य क्या हो चुका था, एकदम सीमित हो चुका था, ठीक है। स्पेन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, 1580 आते आते तक में स्पेन ने क्या किया, पूरी तरह से पुर्तगाल पर कंट्रोल बना लिया अपना, ठीक है, वो अलग से कुछ काम नहीं करने देता था। धार्मिक और जो वैवाहिक नीति थी किसकी, इन पुर्तगालियों की, हम भारत में क्या करेंगे, भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे, वहां स्थायी बस्तियां बसाएंगे, तो उनकी जो धार्मिक नीतियां थी, जो उनकी वैवाहिक नीतियां थी, ये उनके विपतन का कारण बना। इसके अलावा जो डच थे, जो अंग्रेज थे, वो इनको डिस्टर्ब करते थे। इसके अलावा जो मराठे थे वो डिस्टर्ब करते थे। इनके अलावा जो इनकी दोषपूर्ण नीति थी, जैसे यही कार्ड वाली व्यवस्था थी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी की व्यवस्था थी, तो ये सब इन सभी वजहों की वजह से इनका धीरे धीरे क्या हो चला, पतन हो गया, ठीक है, इनका पतन हो गया। छोटा सा आखिरी पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने भारत में क्या कुछ नया किया और क्या इन्होंने बदलाव किए, ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा, लेकिन एक बार मैं देख लूं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलो अभी चल रहा है वीडियो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बात मैं आपसे और करना चाहूंगा कि पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये आखिरी पॉइंट है। याद रखो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत और जापान के बीच में क्या किया, व्यापार शुरू किया। भारत और जापान के बीच में व्यापार सबसे पहले किसने शुरू किया, तो पुर्तगालियों ने शुरू किया। जितना पॉइंट बता रहा हूं उतना पॉइंट नोट करते जाना। अच्छा दूसरी बात, भारत में किसी भी विदेशी शक्ति के द्वारा तो सबसे ज्यादा संसाधन का दोहन किया गया, उसके द्वारा क्या गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। भारत ही नहीं, भारत सहित एशिया के बहुत सारे देशों में उन्होंने दोहन किया संसाधनों का, तो एक अलग बात था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो चाहे याद रखना, ठीक है। बाकी अब ये कॉपी में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताई दूंगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनकी राजनीति, इन्होंने क्या किया, भारत में राजनीति की शुरुआत किया, भारत में कूटनीति की शुरुआत किया, जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया, कार्ड नीति हो गया, तो ये सारा भी किया था। और इसके अलावा सामुद्रिक गतिविधियों पर ध्यान दिया, वो सब भी एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, इन्होंने हमेशा बल प्रयोग किया, बल प्रयोग के माध्यम से राज्यों को हड़पने का प्रयास किया। किसके माध्यम से, लड़ाई झगड़े। पेड्रो अल्वारेज़ ने क्या किया, लड़ाई झगड़ा। अल्बुकर्क ने क्या किया, लड़ाई झगड़ा। अल्मीडा ने क्या किया, लड़ाई झगड़ा। तो सभी लोगों ने अपना बल प्रयोग करके भारत पे कब्जा जमाने की जो है राह पर चला। इनकी लड़ाई पुर्तगालियों ने सबसे पहले अरबों और तुर्कों के साथ संघर्ष किया था।